ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी योगियों की श्रेष्ठ स्थिति का यादगार है शेष सैया पर विराजमान विष्णु। ये हमारी सुंदर तपस्या की यादगार है, ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है। आइए हम सभी अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाएं, विष्णु स्वरूप अर्थात जिसने पांचों विकारों को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। सांस से तो मनुष्य कितना डरता है, लेकिन कंट्रोल करके उनको अपने अधीन बना लिया और जैसे सांपों ने कहा, विकारों ने कहा, अब हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम आपकी शीतल छैया बनकर रहेंगे, आप हमारी छाया में सदा आनंद मनाओ, मित्र बना दिया उनको। विष्णु स्वरूप का दूसरा महत्व है कि चारों ओर सागर है, सागर में लहरें उठ रही हैं, लेकिन विष्णु जी गीता ज्ञान में मग्न हैं, नो इफेक्ट। हम भी ऐसे ही अचल अडोल बन जाएं। और अगर हम ये याद रखेंगे, मैं विष्णु स्वरूप हूँ, सागर की लहरों में भी अचल अडोल हूँ, ये लहरें तो आएंगी और चली जाएंगी, तो लहरें समाप्त हो जाएंगी। जिसने मनोविकारों को जीत लिया हो उसके लिए इन परिस्थितियों को जीतना कुछ भी नहीं है। और देखें विष्णु का चौथा स्वरूप, वहीं से जैसे कि सारे संसार की पालना कर रहे हैं, गीता ज्ञान में मग्न भी हैं और वहीं से सबकी पालना भी कर रहे हैं। हमें भी सबकी पालना करनी है अपनी दृष्टि से, तो हम योगियों को रोज संसार को दृष्टि देनी है। आज तो सारा दिन हर घंटे में एक बार हम बाबा से दृष्टि लेंगे सूक्ष्म लोक में जाकर, और सारे संसार को देंगे, ग्लोब को देंगे, बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। और पांचवा स्वरूप है विष्णु स्वरूप में लक्ष्मी चरणों में है। इसका अर्थ है जिसकी स्थिति विष्णु समान अचल अडोल हो जाएगी, लक्ष्मी उसकी चरणों में आ जाएगी, उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, उसे किसी की ओर प्यासी नजरों से देखने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी उसके आगे पीछे रहेगी। तो हम सभी अपने इस विष्णु स्वरूप को धारण करें और अच्छा योग युक्त होकर इस जीवन को ऐसा एग्जाम्पल बनाएं कि सभी हमें देखकर श्रेष्ठ योगी बनने की प्रेरणा ले सकें। आज सारा दिन पहला अभ्यास अपने को विष्णु स्वरूप में देखेंगे, शेष सैया पर विराजमान सागर के मध्य में, बिल्कुल गीता ज्ञान में मग्न, साथ में सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि लेकर सारे संसार को देंगे। ये दोनों अभ्यास आज बहुत सुखदायी रहेंगे। ध्यान दें, कौन बन सकते हैं श्रेष्ठ योगी, जिन्होंने अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर लिया हो, ये उलझने, ये इच्छाएं, बदले की भावना, ये तृष्णाएं, ईर्ष्या द्वेष, ये किसी मनुष्य को श्रेष्ठ योगी नहीं बनने देते। कोई मनुष्य कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन यदि उसने अपनी इन वृत्तियों को शांत नहीं किया तो वो देखने वालों को तो आगे दिखाई देगा, पर उसे भी पता है कि वो बहुत पीछे है। उसका मन आनंद विभोर नहीं रहता है, उसका मन अतिंद्रिय सुखों की अनुभूति में नहीं रहता है। तो हमें योगी बनना है, सबको आगे बढ़ने दें, रास्ता खोल दें, जाओ तेज गति से दौड़ कर आगे बढ़ जाओ, बाबा की खूब सेवा करो, सबको दुआएं दे दें,
सबको क्षमा करके चित्त को शीतल और शांत कर दें। इच्छाओं और तृष्णाओं से तो जैसे कि हमारा अब कोई नाता ही नहीं है। जिन्होंने संसार छोड़ दिया, जिन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया, वो भला क्या छोटी छोटी बातों के पीछे भागते रहेंगे? कदापि नहीं। तो आइए आज सारा दिन योग की परम अनुभूति करें। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Thank you.